morning, students. In today's lecture, we will be covering that is your session number 7, that is Form Wizard of Unit 3, that is Database Management System, beta. In this session, we are going to study how to create an object form of your database with the help of the wizard option. Forms ke through ek interface hai, hum keh sakte hain. Form is an interface through which we can enter the data, display the data according to, we can even give the search criteria also in it. According to that, we can view our data. So, forms are the object that are used to get data from user in an interactive manner. Sundar tarike se hum form se data le sakte hain. Hai na? Kahan to humne table ke andar, maan lo 3000 record, un sabko dekh rahe hain. उनका लुक अच्छे से नहीं आ रहा है ना, तो हमें सबको सर्च करना पड़ रहा है. इट डज नॉट, ठीक है, सर्च करने को हम सर्च कर ही लेंगे, बट इट डज नॉट गिव इन वेरी प्रेजेंटेबल वे और इंटरैक्टिव वे. एंड फॉर्म्स गिव अस एन इंटरैक्टिव वे टू एंटर डेटा, ठीक है, जो टेबल्स के अंदर, डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस के टेबल्स के अंदर जो स्टोर होता है. अब इस सेशन के अंदर हम लर्न करेंगे हाउ टू क्रिएट द फॉर्म थ्रू विजार्ड. सबसे पहले तो हमने बेस को खोलना है, और जैसे ही हम बेस खोलेंगे तो ये हमारी बेस विंडो आ जाएगी. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है, हमने फॉर्म, फॉर्म पे क्लिक करेंगे. किस मेथड से, हमने थ्रू विजार्ड, तो वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस. जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, द नेक्स्ट विंडो इज गोइंग टू अपीयर बिफोर अस. जैसे मैंने आपको बताया था, विजार्ड में क्या होता है, एक के बाद एक बॉक्स आते हैं, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं आपको, और उनके आंसर्स भी दे रखे हैं ऑप्शंस में, आपने उनमें से सेलेक्ट करना और नेक्स्ट नेक्स्ट करना होता है. Now form wizard will start in a separate window. In first step select table. हमने पहले बता दिया form wizard के through बनाना. अब जो second window आई है form wizard की, उसमें से हमने पहले table select करना है, कौन सा table लेना है और उसकी कौन सी fields मैंने form के अंदर display करवानी है. Is it okay? वो मैंने इसकी यहाँ से select करनी है और फिर मैंने किस पे click कर देना है, next पे. फिर जैसे ही मैं next पे click करूँगी, next step start हो जाएगा कि क्या आपको फॉर्म का सब फॉर्म चाहिए. सब फॉर्म मीन्स, जैसे मान लो ऊपर एक फॉर्म है, मैं चाहती हूँ उसकी साइमल्टेनियसली फ़ोटो भी दिखाई दे. जैसे यहाँ फ़ोटो पे क्लिक करूँ, उसके और डिटेल्स आ जाएँ, कस्टमर मैंने सेलेक्ट किया, उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो आ जाएँ उसी फॉर्म के अंदर. तो वो क्या होता है, फॉर्म के अंदर जो फॉर्म होता है डैट इज़ नोन एज सब फॉर्म. अगर आपने लिखना है, रखना है, तो येस, अदरवाइज नो, एंड देन यू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. अब जैसे ही हम करेंगे, In the next, it will ask if you, it will ask you to arrange controls on your form. Controls means, जैसे कोई आपका buttons वगैरह है या text field है, कहाँ आपने arrange करना है, वो आप arrange करोगे. Ask to arrange controls on your form. ठीक है, choose an arrangement of the field from the given option. कि आप कैसे fields वहाँ पर display करवाना चाहते हो, उसका look कैसे, ये देखो, ठीक है, किस तरह arrange करना चाहते हो आपने करना है, और फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है. इन द नेक्स्ट सेलेक्ट इफ़ यू वांट टू यूज़ फॉर्म फॉर डेटा एंट्री और फॉर द डिस्प्ले प्रोग्रेस के लिए आप चाहते हो, तो बताने के बाद फिर हमने क्या, किस पे क्लिक कर देना है, नेक्स्ट बटन पे बेटा. ये ना, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं दैट फॉर्म इज़ यूज फॉर एंटरिंग द डेटा ओनली या एंटरिंग डेटा. ठीक है, द फॉर्म विल डिस्प्ले ऑल द डेटा. द फॉर्म इज़ यूज फॉर एंटरिंग न्यू डेटा के लिए है या वो डिस्प्ले करने के लिए है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने नेक्स्ट पे करना है. द नेक्स्ट यूज़ एन अपीरियंस, उसका लुक कैसा है वो आपने चूज़ करना है. ये अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं बॉक्स में, जो आपने चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो. देन यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर ये बॉक्स आ जाएगा जिसके अंदर हम फॉर्म का नाम देंगे, और फॉर्म का नेम करने के बाद वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द फिनिश बटन. अब वैसे भी देखो, नेक्स्ट वाला हाईलाइटेड ही नहीं आ रहा, क्योंकि कोई चारा ही नहीं बचा है. हाँ, पीछे हम जरूर जा सकते हैं, कुछ चेंजेस करनी है बैक, तो अब हमने किस पे क्लिक करना है, वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द फिनिश बटन बेटा. और जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक कर रहे हैं, तो मेरा फॉर्म मेरे सामने आ जाएगा. ओके, एंड इट इज़ गोइंग टू बी डिस्प्लेड. अब मान लो मुझे इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना है, आई वॉन्ट टू डू द मॉडिफिकेशन. इट कैसे करेंगे, नेचुरली बेस खोलो, फिर वो वाला फॉर्म सेलेक्ट करो जिसके अंदर हमने मॉडिफिकेशन करना है. जैसे ये देखो, हमने बेस विंडो खोली, फॉर्म, फिर ये जो आपका फॉर्म है उस पर राइट माउस क्लिक करके हमने किस पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है. ठीक है,
एंड ये क्या खुल जाएगा, डिज़ाइन व्यू हमारा खुल जाएगा, किसका, फॉर्म का बेटा। अब ये देखो, अगर मैंने मान लो इसका साइज इंक्रीज करना है, मैंने सेलेक्ट करना है, ये ग्रीन ग्रीन हैंडल्स आ जाएंगे, इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना अपने हिसाब से जहाँ पे भी मैंने, अब ये देखो ये आगे तक ले गए, तो जब मैं रिलीज करूँगी तो उतना उसका क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा। मान लो आपने टेबल लेबल्स डालने, लेबल मीन्स ऊपर कुछ फॉर्म को एंट्री यहाँ पे देना चाह रहे हो आप, है ना, तो मुझे पहले लेफ्ट हैंड साइड से लेबल कंट्रोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा जहाँ मैं चाहती हूँ, है ना, इट विल कम ओवर देयर, तो मैं इस तरह लेबल भी उसके अंदर डाल सकती हूँ। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है, और जब मैं रिलीज़ करती हूँ तो फिर उस लेबल का जैसे ही मैं रिलीज़ करूँगी आइकन को ड्रैग करने के बाद, फिर ये प्रॉपर्टीज़ उसकी खुल जाएंगी जहाँ पे आप उसका नेम दोगे लेबल का, इज़ इट ओके। फिर आप उसकी जो अगर कोई प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो, जैसे फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट जो लेबल का होगा वो आप देना चाहते हो, लेफ्ट हैंड साइड में लेबल आए या राइट हैंड साइड में या सेंटर में, वो देना है आपने। अगर आप कोई बैकग्राउंड इसका देना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो फॉर्म का, तो डैट इज़ आल्सो पॉसिबल। कैसे, राइट क्लिक करो एम्प्टी एरिया में, खाली जगह पे, ठीक है, तो जैसे ही आप राइट माउस क्लिक कर रहे हो फिर ऑप्शंस आ जाएंगे, और उस ऑप्शंस में से आपने किस पे क्लिक करना है, पेज पे। जैसे ही पेज पे क्लिक करोगे पेस्ट टाइप डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, वहाँ से आपने बैकग्राउंड टैब पे क्लिक करना है। अभी अलग अलग कलर्स हैं, हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं। वंस यू हैव डन इट चेंजेस इन द फॉर्म, देन वी हैव टू सिंपली क्लिक ऑन सेविंग ऑफ द डिज़ाइन, ओके। देन नेक्स्ट इज योर, कुछ हमने सर्च करना है या इंसर्ट करना है या डिलीट करना है रिकॉर्ड फॉर्म से, तो वो भी पॉसिबल। सर्चिंग कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले वो फॉर्म विंडो खोलनी है इसकी। कैसे, इन द ओपन फॉर्म विंडो क्लिक ऑन फाइंड रिकॉर्ड बटन, ये देखो ये खुला है ना ओपन फॉर्म, फिर यहाँ से आपने फाइंड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, ये बॉक्स आ जाएगा। अब क्या सर्च करना चाहते हो टेक्स्ट में, है ना, किसको सर्च करना चाह रहे हो वो आप दोगे, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द, हमने किस पे कर देना, सर्च पे। सो इट विल ओपन रिकॉर्ड सर्च डायलॉग बॉक्स, यू स्पेसिफाई सर्च क्राइटेरिया एंड देन क्लिक सर्च बटन, एंड इन द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट वी आर सर्चिंग फॉर द वैल्यू ABC सप्लायर को ही यहाँ पे दो सर्च करने। और अगर मैंने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो मैं न्यू रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूँगी, किस पे क्लिक करूँगी, न्यू रिकॉर्ड बटन पे। जैसे ही न्यू रिकॉर्ड बटन किया तो ये विंडो मेरे सामने आ जाएगी, एंड आई विल एबल टू एंटर, और एंटर करने के बाद मैंने किस पे क्लिक कर देना, सेव बटन पे बेटा, ओके। फिर आ जाता है आपका जो लास्ट है, डिलीट करना है कोई रिकॉर्ड, मान लो मैंने, टू डिलीट अ रिकॉर्ड फर्स्ट लोड द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड, जिसे डिलीट करना है उसको पहले सामने लेके आओ, सर्च करके लाओ, ठीक है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था, वंस द रिकॉर्ड इज डिस्प्लेड या लोड हो गया है, तो आपने सिंपली डिलीट रिकॉर्ड बटन पे बटन टूल बार से आपने क्लिक करना है, एंड द रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी डिलीटेड, ये रहा आपका डिलीट रिकॉर्ड। तो वो मेरा रिकॉर्ड फॉर्म की हेल्प से टेबल में से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा बेटा। दैट्स ऑल विद दिस सेशन, थैंक्स बेटा।